हेलो क्रिकेट के दीवानों, तो कैसे हैं आप लोगों को दोस्तों। एक और नए करियर मोड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये टूर होने वाला वेस्ट इंडीज़ में, इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़। T20 हो चुके हैं, मतलब 3 T20 मैच हमें खेलने हैं। पहला मैच ऑलरेडी हो चुका है, आज हम लोग खेलने वाले हैं दूसरा T20 मैच। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, लाइक है मैं 50 लाइक, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों अगर आपने हमारे पुराने करियर मोड के वीडियोस नहीं देखे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। एक टूर हमने न्यूजीलैंड में जाके किया था जो कि काफ़ी अच्छा टूर था, और उससे पहले हमने पाकिस्तान के खिलाफ भी सीरीज़ खेली थी अपने करियर मोड में। और दोस्तों वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के बाद हम लोग खेलने वाले हैं IPL। तुम्हारे भाई का सिलेक्शन हो चुका है मुंबई इंडियंस में, अगर आपको नहीं पता तो आप पुराने वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। तो दोस्तों आज हम लोग खेलने वाले वेस्ट इंडीज़ में अपना सेकेंड T20 मैच, और तुम्हारा भाई कैप्टन है। जो लोग हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आपको नहीं पता है कि पुराने वीडियोस कहाँ हैं तो आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका नाम है Cricket24 करियर मोड। तो दोस्तों चलो आज के मैच के बारे में बात करते हैं। तो तुम्हारे भाई ने टीम प्रॉपर बना दी है। रो को जो कि हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली बॉलिंग करेंगे ओपनिंग, फर्स्ट डाउन आएगा तुम्हारा भाई। और यहाँ पे गेम में कुछ गिलिच है यार, क्योंकि टीम सिलेक्शन तो मैं कर रहा हूँ बट जो फ्रंट फोटो है टॉस के टाइम पे रिंकू सिंह आ रहे हैं। पता नहीं ये क्या हो रहा है, गेम में बग है। मुझे लग रहा है नया अपडेट बहुत जल्दी आएगा उसका, इसके बाद ये रिजॉल्व हो जाएगा। फिलहाल ये है टॉस टाइम और ये मैच हो रहा है वेस्ट इंडीज़ में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है वहाँ पर भाई स्पिन को काफ़ी मदद मिलती है, तो तुम्हारा भाई भी एक बढ़िया स्पिनर है, तो देखते हैं आज हम क्या धमाल करते हैं। तो ये है टॉस टाइम, ये पूरी तरह से प्लेइंग 11 जैसा कि आप देख सकते हो वेस्ट इंडीज़ और इंडिया की। और यहाँ पे पिच काफ़ी अच्छी लग रही है, यहाँ पे तो ग्रीन सी लग रही है मेरे को, बाकी देखते हैं क्या होगा। टॉस टाइम है, रिंकू सिंह है और साथ में वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन है। इंडिया ने हेड सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं टॉस कौन जीतता है यहाँ पे। और वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीत के भाई यहाँ पे बल्लेबाजी का निर्णय लिया है, हम लोग को करना है गेंदबाजी। हम लोग भी अगर टॉस जीते तो शायद बैटिंग ही करते, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया ये स्पिन फ्रेंडली पिच है। तो अब हमें यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ को कम से कम रनों पर रोकना होगा अगर हमें यह मैच जीतना है। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के दोनों ओपनर्स ब्रेंडन किंग और के मेयर्स आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारी टीम भी जा रही है, तुम्हारा भाई भी है भाई। काफ़ी बढ़िया मैच होने वाला है, फटाफट लाइक मारना, चैनल पर सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया तो किस बात का वेट है, ज़रूर सब्सक्राइब करो। रोहित शर्मा भी उत्साह बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर पहली बॉल डालने वाले हैं जसप्रीत बुमराह यहाँ पर। तो देखते हैं हमें बॉलिंग कब मिलेगी। तो दोस्तों हमें बॉलिंग मिल रही है जब 10 ओवर ख़त्म हो चुके हैं। 67/3 है वेस्ट इंडीज़, 11वां ओवर तुम्हारा भाई लेके आ गया है, आंकड़े तो हमने देख ही लिए हैं। और यहाँ पे स्लिप को थोड़ा सा आगे बुला लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद बॉलिंग चालू करते हैं। तो हम लोग डालने वाले हैं निकोलस पूरन को अपना पहला बॉल इस मैच का। तो फर्स्ट बॉल डालते हैं, निकल के मारा भाई बंदे ने यहाँ पर और रन भी चुरा लिया, सिंगल चुरा लिया उन्होंने भाई, काफ़ी अच्छा तेज़ रनिंग उनकी। कोई नहीं, अगली गेंद डालते हैं, यहाँ पे साइड चेंज कर लेते हैं, हेटमायर को डालेंगे हम दूसरा ओवर, माफ़ करना दूसरा बॉल हमारे पहले ओवर का। और यहाँ पे हेटमायर को डाला है, बढ़िया शॉट बट फील्डर के हाथ में, कोई भी रन यहाँ पे हेटमायर को नहीं मिलेगा। अगली गेंद डालते हैं यहाँ पे सिमरन हेटमायर स्ट्राइक पर, अगली बॉल उनको डाली है, ये भी फील्डर के हाथ में, कोई रन यहाँ पर उनको फिर से नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी है भाई, और 3 विकेट ऑलरेडी गिर गया था वेस्ट इंडीज़ पहले से ही प्रेशर में। अगली बॉल यहाँ पे हमने डाली, उसने निकल के मारा और एज लगा सीधा भाई कीपर के हाथ में, एक बहुत बड़ा विकेट वो भी सिमरन हेटमायर का भाई। वेस्ट इंडीज़ को लगा एक और बड़ा झटका रो दिया तुम्हारे भाई ने, और खुशी का ठिकाना तुम देख सकते हो भाई, बिल्कुल भी मज़ा आ गया मेरे को, क्योंकि एक तो तुम्हारा भाई कैप्टन है, ऊपर से इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। और इस विकेट के लिए जो भी दोस्तों आपका फेवरेट मोमेंट होगा मैच में वो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना यहाँ पर। और लास्ट बॉल है हमारी इस पहली ओवर का, निकल के मारा, अरे भाई ये भी एज लग सकता था बट बढ़िया बॉल हमने डाला। तो पहला ओवर यहाँ पे हो गया समाप्त, हमने 1 रन देके 1 विकेट लिया है। वेस्ट इंडीज़ 11 ओवर के और 69/4 है, काफ़ी अच्छा ओवर गया है पहला भाई। अगला ओवर अर्जदीप सिंह ने डाला है, उन्होंने 10 रन दिए हैं, तो 12 ओवर के बाद है 79/4। अब हम आ चुके हैं अपना दूसरा ओवर लेके यहाँ पे इस मैच में, उसकी पहली बॉल यहाँ पे डाल रहे हैं और निकल के भाई स्टंप कर दिया है यहाँ पे KL राहुल ने मेरे हिसाब से, और बेहतरीन विकेट यहाँ पे, दूसरी विकेट हमें मिल चुकी है यहाँ पे पहले ही यहाँ पे बॉल पे दूसरे ओवर की। भाई ये देखो निकल के और स्टंप कर दिया भाई, बेहतरीन। संजू सैमसन ने, माफ़ करना संजू सैमसन को खिलाया था हमने, KL राहुल को नहीं। तो भाई यहाँ पे 2 विकेट ले लिया हमने, 2 रन देके, कमाल की गेंदबाजी। अगली बॉल यहाँ पर डालते हैं अपन, जेसन होल्डर आ चुके हैं बैटिंग पर, और बढ़िया ड्राइव फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर जेसन होल्डर को। अच्छी गेंदबाजी, आखिरी बॉल यहाँ पे हमारी दूसरे ओवर की,
और ये भी भाई बढ़िया बीट कराया हमने, क्या ये एज लगाया? अरे भाई ये तो एज लग गया, लो आखिरी बॉल पे भी विकेट मिल गई, पहली बॉल पे भी मिल गई थी और आखिरी बॉल पे भी। तो 2 ओवर में 3 रन देके 3 विकेट हमने निकाल लिए हैं, और वेस्ट इंडीज़ के भाई आधे खिलाड़ी पवेलियन में, 5वां विकेट गिरा वेस्ट इंडीज़ का, बहुत बड़े प्रेशर में इस समय वेस्ट इंडीज़, और भाई कैसे रिकवर करेंगे देखना पड़ेगा। कमाल का कैच लिया यहाँ पर संजू सैमसन ने, कुलदीप यादव ने अगला ओवर डाला है, तो 14 ओवर के बाद 89/6 है अभी वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे। 3 विकेट तुम्हारे भाई ने लिए, 3रा ओवर लेके आ चुके हैं अपन यहाँ पे, और खेलने वाले हैं यहाँ पे निकोलस पूरन नहीं है यहाँ पे, अकीला हुसैन है। पहली बॉल बढ़िया लेग में डाल दी, अरे यार ख़राब बॉल, ये 4 रन मिल जाएगा मेरे हिसाब से इनको। जी हाँ यहाँ पे 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पर अकीला हुसैन को भाई, पहली बॉल पर टांग पे डाल दिया हमने, ख़राब गेंदबाजी। अगली बॉल डालते हैं यहाँ पे हुसैन को, देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। अगली बॉल दूसरी बॉल यहाँ पे, ये भी पैर पे है बट यहाँ पे पीछे फील्डर है, तो 1 रन मिल जाएगा ये हुसैन को आराम से। हमें यार अपनी लेंथ को पकड़ के रखना है, नहीं तो यहाँ पे चौके इजीली जाएंगे, ठीक है, और रन हमें देना नहीं। अगली बॉल जेसन होल्डर है स्ट्राइक पे, बढ़िया शॉट खेला है, 4 रन यहाँ पे भी। अरे यार इस ओवर में 2 चौके दे दिए हमने जो हमें नहीं देने थे, तो अच्छी बैटिंग यहाँ पे चल रही है इनकी, अटैक कर रहे हैं मेरे ऊपर। कोई नहीं, अगली बॉल बाहर डालते हैं, ये बढ़िया बॉल है, कोई रन नहीं मिलेगा, सीधा फील्डर के हाथ में, अच्छी बॉल ये। 98/6 है अभी, 2 बॉल अभी बचा है इस ओवर का। अगली बॉल डालते हैं यहाँ पे, ये भी पैर पे बट पीछे फील्डर मैंने लगा लिया था इसी शॉट के लिए, तो 1 ही रन मिलेगा यहाँ पे। 99 हो गया स्कोर वेस्ट इंडीज़ का, 1 बॉल बचा है हमारे 3रे ओवर का। इस ओवर में एक भी विकेट अभी तक नहीं आया, आखिरी बॉल, और यहाँ पे भाई जैसा कि मैंने बोला विकेट नहीं आया बट आ गया लास्ट बॉल पे। क्या शार्प टर्न था भाई, बिल्कुल भी एकदम पता ही नहीं चला बल्लेबाज को, एज लगा और सीधा संजू सैमसन के हाथ में, तो 4था विकेट इस मैच का मिल गया भाई। लाइक कर देना चैनल पर, सब्सक्राइब कर देना ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए, वीडियो मज़ा आ रहा है। और आपका फेवरेट मोमेंट क्या है इस वीडियो का जरूर कमेंट करके बताना। बेहतरीन विकेट मेरा तो यही था भाई, लास्ट विकेट जो हमने निकाला, कमाल का टर्न देखने को मिला। और यहाँ पे वेस्ट इंडीज 16 ओवर के बाद 101/7 है हमारा आखिरी ओवर इस मैच का। 3 ओवर में 13 रन देके 4 विकेट हमने ले लिए, और यहाँ पे आखिरी ओवर का पहला बॉल डाल रहे हैं, पहली बॉल, और भाई रिवर्स स्वीप मारा है बट ये डॉट हो जाएगी, फिर कनेक्शन ही नहीं हुआ, अपील किया था हमने बट ये आउट नहीं होगा। अगली बॉल डालते हैं, अगली बॉल विकेट टू विकेट डाला है, और भाई एज लगी बहुत बड़ा एज, कुछ आता पता नहीं यहाँ पे, और एक और विकेट, 5वीं विकेट निकाल दी हमने इस मैच की भाई, फिफर निकाल दिया हमने, 5 विकेट ऑल वेस्ट इंडीज़ में जाके, कमाल की गेंदबाजी, शानदार कप्तानी प्रदर्शन यहाँ पे कर दिया हमने। अल्जारी जोसेफ का विकेट निकाल दिया, 4 बॉल अभी बचे हैं, क्या एक और विकेट हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। 101/8 है वेस्ट इंडीज़। अगली बॉल डालते हैं यहाँ पे, ये भी टांग पे थी, तो आराम से 1 रन मिल जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी 1 रन लेने में इनको। 3 बॉल बचे हैं भाई, 13 रन देके हमने 5 विकेट ले लिए हैं, क्या एक और विकेट मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, कमेंट करके बताओ आप लोग। अगली बॉल, और भाई ये सीधा हाथ में आ गई हमारा, अपील किया बट ये तो आउट नहीं है, मुझे लगा कैच है बट कैच नहीं। 2 बॉल और बचा हमारे इस बेहतरीन स्पेल का। अगली बॉल स्वीप खेला है रिवर्स वाला बट फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ को। आखिरी बॉल 102/8 है, 5 विकेट हमने लिए हैं, 14 रन देके भाई, कमाल का स्पेल, और ये बोल्ड एज लगा, और आखिरी बॉल पे एक और विकेट, 6ठा विकेट इस मैच का भाई, पूरी तरीके से धराशाही कर दिया वेस्ट इंडीज़ के बैटिंग लाइनअप को। 14 रन देके 6 विकेट 4 ओवर के स्पेल में, कमाल का स्पेल डाल दिया हमने वेस्ट इंडीज़ में आके। अब कम से कम रनों पे हमने यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ को रोक दिया है, और तुम्हारी भाई की बैटिंग आ गई है काफ़ी जल्दी, 11 रन पे पहला विकेट गिर गया, रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं, अब तुम्हारा भाई आ गया बैटिंग पे। टारगेट है केवल 103 रनों का, ज़्यादा बड़ा टारगेट है नहीं, तो आराम से चेज करने की कोशिश करते हैं। पहली बॉल हमें डाल दें अंजारी जोसेफ, आराम से हमने डिफेंस कर दिया यहाँ पे बिना किसी देरी के। तो भाई 4 बॉलों में 0 रन पे हम खेल रहे हैं, मौकाए लेके आए हैं बॉलिंग, और यहाँ पे पहली बॉल डाली थी उन्होंने हमें इस ओवर की, और हमने भाई शानदार ड्राइव, डाउन द ड्राइव खेल दिया भाई, डाउन द ग्राउंड ड्राइव, बेहतरीन शॉट 4 रनों के लिए, खाता भी खोल दिया है। अगली बॉल यहाँ पे लेके आए हैं अल्जारी जोसेफ, अगली ओवर यहाँ पे 5वीं बॉल उनकी, और यहाँ पे बेहतरीन ड्राइव, पीछे फील्डर है बट रोक नहीं पाया, कमाल कवर ड्राइव और चौका भाई, खूबसूरत शॉट, कोई फील्डर नहीं था वहाँ पर रोकने के लिए, खूबसूरत शॉट। अगली बॉल यहाँ पे अल्जारी जोसेफ की, 9 रन पे पहुँच चुके हैं 11 बॉलों में केवल, तो अगली बॉल यहाँ पे वो डालने वाले हैं, और ये बेहतरीन शॉट, एक और कवर ड्राइव दोनों फील्डरों के बीच में से 4 रनों के लिए भाई, बैक टू बैक चौका यहाँ पे हमने मार दिया है।
थोड़ा सा प्रेशर जरूर यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ पे है कहीं ना कहीं। काफ़ी बेहतरीन शॉट, आप देखो इस शॉट को, काफ़ी मज़ा आएगा। आखिरी बॉल यहाँ पे चल जा रही जोसफ की इस ओवर की, ऑलरेडी 2 चौके हमने बटोर दिए हैं, 12 पे 13 पे हम खेल रहे हैं। लास्ट बॉल इस ओवर का आराम से निकालना है हमें, और बढ़िया छोड़ दिया हमने। 4 ओवरों के बाद 27 पे 1 इंडिया, तुम्हारा भाई खेल रहा है 13 रनों पे। विराट कोहली के पास स्ट्राइक है, तो देखते हैं वो कब हमें देते हैं। उन्होंने 5 बॉल खेल के हमें आखिरी बॉल दिया इस ओवर का, जो कि खेल डालने वाले हैं के मेयर्स। आखिरी बॉल शॉर्ट पिच बॉल, अरे भाई एज लग गया है और सीधा कीपर के हाथ में। यहाँ पे यार ये विकेट हमें नहीं देना था, जो हमने गलती से यार एज लगा, काफ़ी बड़ा एज, कट खेलना चाहता था मैं बट एज लग गया है। अरे यार ख़राब शॉट यहाँ पे और विकेट गिर गया है हमारा। हमने 13 रन बनाए 13 बॉलों पे। संजू सैमसन आ रहे हैं, तो देखते हैं कि हम ये मैच जीत पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैच हमने जीत लिया था, 2 के 2 मैच हमने यहाँ पे जीत लिए हैं लगातार, बेहतरीन मैच हमने जीते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो में देख के मज़ा आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला करियर मोड का वीडियो जल्दी ही आएगा, जो कि लास्ट मैच होगा वेस्ट इंडीज़ के साथ T20 का सीरीज़ का। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, अपना फेवरेट मोमेंट जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।